हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने बात करेंगे क्लास फिफ्थ के जो एक्सरसाइज अपने टू है उसके नाइन्थ क्वेश्चन की। एट्थ तक अपने कर लिए थे, अभी आज अपने बात करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन की। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। जो नाइन्थ क्वेश्चन है, ठीक है, ए टोटल ऑफ 8976 है ये, ठीक है। चिल्ड्रन वाज गिवन ड्रॉप्स ऑफ प्लस पोलियो अंडर बकवास बास पंचायत इन थ्री फेसेस, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, इतने चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, ये टोटल चिल्ड्रंस हैं अपने, ठीक है। तो प्लस पोलियो अभियान में, ठीक है, तीन टोटल थ्री फेसेस हुए, उनमें इनको क्या किया गया, प्लस पोलियो की दवा पिलाई गई इनको, ठीक है। तो थ्री फेसेस में, ठीक है, ये अपने को ध्यान, थ्री फेसेज हुए, ये टोटल चिल्ड्रन बच्चे हैं, टोटल चिल्ड्रंस हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट फेस में, जो फर्स्ट फेस हुआ, थ्री फेस हुए थे टोटल, फर्स्ट फेस में टोटल जो स्टूडेंट है उनको प्लस पोलियो पिलाई गई थी वो थे 2780, ठीक है, ये फर्स्ट फेस का है। सेकेंड फेस में ये फर्स्ट फेस था, सेकेंड फेस में 2925 ये सेकेंड फेस में था, ठीक है। और थर्ड फेस में इसने बोला, सेकेंड फेस स्टेट हाउ मैनी चिल्ड्रंस वेर गिवन द ड्रॉप्स इन द थर्ड फेस। अब थर्ड फेस में कितने चिल्ड्रंस को दवाई पिलाई गई, ठीक है, टोटल इतनों को थर्ड फेस में टोटल इतनों को दवाई पिलाई गई थी अपनी, ठीक है, इतनों को दवाई दी गई थी प्लस पोलियो वाली। अब टू फेस में इतने बच्चों को दी गई, ठीक है, तो जो बाकी बच गए, ठीक है, उनको थर्ड फेस में ही दी गई होगी ना, ठीक है, क्योंकि टोटल ये थे और थर्ड ही फेस हुए थे, ठीक है। तो जो बाकी बच गए जितने भी हैं लेफ्ट, उनको थर्ड फेस में उनको जो दवाई थी वो पिलाई गई थी, ठीक है। वो अभी देखना ध्यान से, कैसे करेंगे अपने, टोटल चिल्ड्रंस टोटल चिल्ड्रंस टोटल चिल्ड्रंस वेयर गिवन ड्रॉप्स टोटल चिल्ड्रन जिनको दवाई दी गई थी ना, टोटल चिल्ड्रन वेयर गिवन ड्रॉप्स, तो कितने थे टोटल चिल्ड्रंस, 8976 टोटल हो गए, ठीक है। टोटल चिल्ड्रंस ऑफ फर्स्ट फेसेस एंड सेकेंड फेसेस। अब ठीक है, आपको टोटल निकालना पड़ेगा, पहले फर्स्ट फेस और सेकेंड फेस के चिल्ड्रन का, वो मैं निकाल लूँगा, अभी देखना ध्यान से कैसे निकालूंगा, देखना, स्टेटमेंट बना ली मैंने, अब दोनों का मैं ऐड टोटल कर दूंगा, ठीक है। जितने दोनों थे ना फर्स्ट फेस में और सेकंड फेस में, जितने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई थी उनका मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जगह नहीं तो मेरे को रेज करना पड़ेगा इसको। फर्स्ट फेस में थे मेरे 2925 और सॉरी सेकंड के और फर्स्ट के थे मेरे 2780, ठीक है, 27 ये थे मेरे 2925 और ये 2780, ठीक है। तो ये हो गए मेरे 8 + 2, ये 10 हो गया, 10 का मैंने 0 लिख दिया, कैरी 1 रह गई, 9 और 7 16 हो गया, 16 और 1 कैरी 17, 17 का 7 आ गया, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 1 कैरी 5, ठीक है। 5705 स्टूडेंट्स को दोनों फेस में अपने दोनों फेस में दवाई
पिलाई गई थी, ठीक है, पोलियो की ड्रॉप्स दी गई थी, ठीक है, 5705, ठीक है, हो गया मेरा। अब देखना, अपने को ये नहीं निकालना, अपने को निकालना जो है 5705, अपने को जो निकालना है थर्ड फेस में कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई थी, ठीक है। चिल्ड्रंस ऑफ थर्ड फेस थर्ड फेस, ठीक है। तो इसमें करना क्या है अपने को, टोटल जो चिल्ड्रन थे उनमें से मैं दोनों फेस वाले निकाल दूंगा तो मेरा क्या आएगा, थर्ड फेस वाले चिल्ड्रंस मेरे आ जाएंगे, ठीक है। टोटल थे 8, 9, 7, 6 और जो दोनों फेस के थे फर्स्ट और सेकंड वाले वो थे 5705, इनमें से माइनस करूँगा तो 6 में से 5 चला गया, 1 बचेगा, ठीक है, 7 1 और 7 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 0 गया, 7 रह जाएगा, 9 में से 7 2 और 8 में से 5 3, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन, ये हो गया अपना, ठीक है। तो अभी जो अपने हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनको ऐड करना है, लेकिन ये जो लिपि है, ये जो लैंग्वेज है अपनी, ये है देवनागरी, ठीक है। अब देवनागरी अपने को आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपने सीखते हैं पहले देवनागरी, मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखते हैं इसमें डिजिट्स को, अगर 1 to 10 आप सीख गए, ठीक है, तो अपने आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है। तो जीरो को तो इसमें लिखते हैं जीरो के जैसे ही अपने, ठीक है, जीरो को लिखते हैं साथ में आप लिख लेना, ठीक है ना, अदरवाइज क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। जीरो को जीरो के जैसे ही लिखते हैं और वन को लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बुक्स में देख लेना थोड़ा, ठीक है, साथ में टू के जैसे, ऐसे टू के जैसे, ठीक है ना, बुक्स में देख लेना साथ में आप, ठीक है ना, ठीक है। और ऊपर है ये वाला जो अपने सैज सलजम लिखते हैं वो वाला ऊपर होना चाहिए आपको, ये बिंदु सा होना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और टू को लिखते हैं टू के जैसे ही, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इसमें ये ऊपर वाला ये जो राउंडर होता है ना, ये वाला ऊपर वाला ये राउंडर, ये नहीं होता, ठीक है ना, वन में जो अपने लगाते हैं, ठीक है, टू हो गया, साथ में बुक्स में देख लेना, ठीक है। और थ्री को बिल्कुल सिंपल है, थ्री कुछ नहीं है, ऐसे लिखते हैं थ्री को, ठीक है। अब फोर को ऐसे लिखते हैं अपने, ठीक है ना, फोर को कैसे लिखते हैं, फोर को लिखते हैं अपने ऐसे, ये जैसे इंग्लिश में अपने आर लिखते हैं ना, वैसे अपने इसमें फोर को लिखते हैं, ठीक है, फोर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सीख लेता हूँ इसको, येलो ऐसे करके ऐसे लिख देना इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, थ्री ऐसे हो गया मेरा और ये हो गया मेरा आर के जैसे होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर देना इसको, ठीक है। और फाइव को इसमें लिखते हैं अपने उल्टा फोर के जैसे, ठीक है, ऐसे उल्टा फोर होता है ना अपना, ठीक है, नहीं सॉरी फोर की जैसे ही है, उल्टा फोर कहाँ से है, ठीक है, दोबारा लिखता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको अलग से बुक्स में देख लेना साथ में, यहाँ ये सही नहीं लिखे जा रहे मेरे से, ठीक है, ये फाइव हो गया अपना। अब सिक्स को लिखते हैं जैसे ये लिखा है, इसका अपोजिट सिक्स को लिख देते हैं, ठीक है, ये आप साथ में प्रैक्टिस करते रहना इसकी, साथ में बुक्स में देखते रहना और लिखते रहना, ठीक है। और सेवन को अपने लिखते हैं ऐसे, ठीक है, जीरो मैंने लिख दिया, अब सेवन को लिखते हैं अपने ऐसे। और एट को लिखते हैं अपने ऐसे, ठीक है, एट को लिखते हैं अपने ये लिख रहा है, ध्यान रखना है अपने को, ये वाला है, ठीक है, एट। और नाइन को इसमें अपने कैसे लिखते हैं ध्यान से, नाइन को लिखते हैं अपने
ऐसे करके दोबारा लिखना पड़ेगा। बुक्स में देख लेना साथ में, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ये हो गए। तो इसको आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में या अपनी एक बार तो आप रफ में लिख सकते हो इसको, ठीक है। और फिर जैसे ही आप अभी रफ में लिख लोगे, बाद में आराम से अच्छे से बुक्स में देख देख के जैसे सेव चेक कर लेना, ठीक है। सेव एज इट इज़ बनाई है मैंने, थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है लिखने में, ड्राइंग करने में इनकी, तो वो आप बुक्स में देख के आराम से कर सकते हो, ठीक है। बाकी बुक्स में आपको पता लग जाएगा मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है। आप बुक्स में से देख के साथ में मेरे वाले में से देख के आप आराम से ये पहले तो 0 to 9 तक आप काउंटिंग लिखोगे अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है। फिर अपने इनका प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस बिल्कुल, एक बार ये काउंटिंग आ गई तो प्लस माइनस तो अपना बिल्कुल सिंपल है, जैसे अपने करते हैं नॉर्मल नंबर्स में वैसे ही अपने देवनागरी लिपि में होनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।